हेलो गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आई एम योर होस्ट सरमद काशान अली फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल वन वर्ड विंडो। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। राइट नाउ आई एम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, सो सोचा कि आप लोगों को आज एक नया व्लॉग शेयर करूँ। आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्शन 2-2.5 सालों के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हुई है और फिज़िकल क्लासेस अब होना शुरू हो गई हैं। एंड अगर ओस्लो यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो नॉर्वे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर तरह के डिपार्टमेंट नज़र आएंगे। तो हियर यू गो, आई विल शो यू द यूनिवर्सिटी और उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का भी मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इनका यूनिवर्सिटी का एरिया काफ़ी ज़्यादा है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट बिल्डिंग्स में डिवाइड किया गया है। सो गाइज, दिस इज यूनिवर्सिटी एंड अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइज, नाउ आई एम स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो। जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं ये नील्स हेनरिक एल्बर्ट हाउस है और ये वाज अ फेमस मैथमेटिशियन, इसके नाम पे ये बिल्डिंग है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में मैं घूम रहा हूँ और कोविड के बाद, काफ़ी अरसे के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हुई है और रेगुलर फिज़िकल क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको अपने आसपास काफ़ी लोग नज़र आएंगे। यूनिवर्सिटी में बेसिकली इन लोगों ने डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे या वो लोग जिन लोगों ने बड़ा काम किया, तो उनके नाम पर डिफरेंट बिल्डिंग्स को इन्होंने नाम दिए गए हैं। देख सकते हैं आपको काफी लोग आसपास नजर आएंगे। काफी पुरसुकून एरिया है इनका और देख सकते हैं कि आपको इतना शोर शराबा नजर नहीं आता और यूनिवर्सिटी के बीचों बीच काफी आपको दरख्त नजर आएंगे। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो बेसिकली अगर ट्रेन के ज़रिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो बिलिंद्रन स्टॉप है या फुशनिंग्सबर्गन जो स्टॉप है उस उधर पे उतर के आप आगे यूनिवर्सिटी की तरफ आ सकते हैं। तो लोग यहाँ पे आपको मास्टर्स, पीएचडी, लैंग्वेज, हर तरह के स्टूडेंट नज़र आएंगे। तो ये आप सामने देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट होगा, रिसर्चर्स हो गया या जिन्होंने बहुत नोटेबल काम किया उसके नाम पर बिल्डिंग्स के नाम रखे गए हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं हरिरथ होल्टर्स हाउस। सो जितनी बिल्डिंग है उनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर कोरोना टेस्टिंग की भी फैसिलिटी फ्रीली प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट भी है, अगर कोई इंजरी हो जाती है स्टूडेंट को तो वो भी उसको देखने के लिए, और इसके अलावा फार्मेसी भी यहाँ पर अवेलेबल है। देख रहे होंगे कि आप आज मौसम भी बेहतर है काफ़ी और स्टूडेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। सो रेंडमली मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो कैसी है। इस तरह का वेदर अगर नॉर्वे में मिले और इस तरह की धूप निकली हुई, सो इट्स रियली सूथिंग, बहुत अच्छा लगता है, वॉक करना भी अच्छा लगता है और दिस वेदर इज़ वेरी गुड। राइट नाउ स्प्रिंग का वेदर ऑलमोस्ट आने लगा है, तो जब भी धूप निकलती है तो इट्स क्वाइट गुड, बट स्टिल यू हैव टू वियर बिग जैकेट ताकि, क्योंकि ठंड अभी भी है। अगर आप थेबान से आएँ या ट्रेन से आएँ तो इस रास्ते से आप आके और यहाँ से वॉक करते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
मौसम काफ़ी अच्छा है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्सिटी। ये सामने जो आई थिंक मेट्रोलॉजिस्क इंस्टीट्यूट है, और यूनिवर्सिटी एरिया इज़ क्वाइट बिग। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें और तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपको रास्ता नहीं पता एंड पीपल आर वेरी हेल्पिंग इन नेचर, तो मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, सो आपकी हेल्प कर ही देंगे। एंड अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ओस्लो के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो इज़ ऑन द टॉप, और यहाँ पे रैंकिंग भी ऊपर है। इसलिए जो भी नॉर्वे में एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। एंड टीचर्स आर आल्सो वेरी गुड, सो यू नो वन ऑफ द टीचर आई आस्क के हाउ इज़ योर फीलिंग आफ्टर सो लॉन्ग यू आर हेयर इन यूनिवर्सिटी, एंड he was just smiling saying that I just forgot because it's been a long 2 years, 2.5 years ke ye log physical exercise nahi thi, totally electronic digital classes ki taraf chale gaye the, but the teachers and everyone are helping in nature, you can go anywhere and they will help you, so hope so। या आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी देखी तो होगी, इसके बेसिकली कैंपसेस भी हैं जो कि सिटी के डिफरेंट एरियाज में फैली हुई हैं, तो उधर जाते हुए आपको या तो बस पकड़नी पड़ेगी या थ्रू ट्रेन यू कैन आल्सो गो। सो नाउ जस्ट हेडिंग टूवर्ड द थेबान, एंड वापस जा रहा हूँ। सो आई डिडंट शो यू इन डिटेल द यूनिवर्सिटी, बट आई थॉट के थोड़ी बहुत आपको यूनिवर्सिटी शो करता चलूँ। इट्स क्वाइट, बहुत ही खामोशी है और थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, बट या द वेदर इज़ वेरी गुड क्योंकि विंटर का ऑलमोस्ट एंड है, और आपको हेयर गिर स्नो भी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि पिछले 1-2 हफ्तों से अच्छी धूप पड़ी है जिसकी वजह से स्नो मेल्ट हो गई है, अदरवाइज यू नो थोड़ी बहुत फिर भी नज़र आ ही रही होगी आप लोगों को। ये आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली रास्ता जा रहा है, ट्रेन से उतर के लोग यहाँ इस रास्ते से यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो आना हो तो फुश्निंग्सबर्गन स्टॉप है, या आप बिलिंदन स्टॉप के ज़रिए यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो देखने के पे, जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि विंटर का वेदर जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलता है, तो जिसकी वजह से धूप भी कम निकलती है, तो मोस्टली लोगों में यहाँ पे वाइटामिन D3 की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टैबलेट इनटेक है वाइटामिन D3 का वो बहुत ज़्यादा है, तो इवन दो कुछ मोस्टली फूड्स के अंदर भी वाइटामिन D3 ऐड किया जाता है ताकि जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। और यहाँ पे मतलब आप लोगों से मिलेंगे और देखेंगे कि जब भी धूप निकलती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और दे यूज़ टू गो आउटसाइड फॉर स्कीइंग एंड फॉर वॉक बिकॉज कम निकलती है, बट वेरी गुड टू से कि 2 हफ्तों से अच्छी धूप निकल रही है एंड वेदर इज़ क्वाइट गुड। बट या अगर हम बात करें एशियन कंट्री की, इवन दो पाकिस्तान की, तो एवरीथिंग इज़ गुड एयर, बट एक बात कहता हूँ कि वहाँ पे समर बहुत ही टफ होता है, एंड समर में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, टेम्परेचर कैन राइज अप टू 44-45, और उधर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सो माई डेज आर गोइंग गुड, बस इतना कहूँगा कि जहाँ भी आप रहें
चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करें और अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप चीज़ें अडॉप्ट करेंगे या जितनी जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, उतनी जल्दी आप उस नई जगह पर सर्वाइव करेंगे। सो उम्मीद रखता हूँ कि मेरा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। काफ़ी छोटा था और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो आपको इतने डिटेल में नहीं बता सकता, तो होप सो कि आपने आने वाले वीलॉग में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो डिटेल में शो करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ट्रेन का वेट कर रहा हूँ मैं, अराउंड हर 15 मिनट्स के बाद ट्रेन आ जाती है जिस रिस्पेक्टिव स्टॉप पर हमें जाना होता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे एक नियर बाय स्टूडेंट विलेज है क्रिंगशो, वहाँ पे रहते हैं। सो ये ट्रेन भी वहीं जा रही है अभी।